हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द केक स्टूडियो प्रिंसी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज का केक भी बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, बहुत क्यूट सा होने वाला है। और ये केक एक क्यूट सी बच्ची का केक है, जो इसे इस केक को वो स्कूल में कट करने वाली थी। वैसे तो सारे स्कूल वाले परमिशन नहीं देते हैं स्कूल में केक कट करने के लिए, लेकिन उनके स्कूल में परमिशन है, क्योंकि बहुत बार मेरा केक उस स्कूल में गया है, वहाँ के पेरेंट्स लेके गए हैं। क्योंकि वो स्कूल की जो प्रिंसिपल है, वो पेरेंट्स को यही एडवाइस देते हैं कि अगर आप केक कट करवा रहे हैं तो प्लीज़ आप होम बेकर से केक ले, क्योंकि वहाँ से फ्रेश केक मिलेगा, एकदम ताज़ा केक मिलता है, आइस केक नहीं रहता है। क्योंकि मैम लोग वहाँ की आइस केक लेने के लिए मना करती हैं, तो इसलिए मैं वहाँ उस केक स्कूल के लिए बहुत बार मैं केक बना चुकी हूँ। बहुत बार मेरे पास पेरेंट्स आके कस्टमर जो है वो कस्टमाइज करवाते हैं केक को, और मैं कलर वगैरह भी बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वैसे भी बच्चे सबका बर्थडे है। बहुत छोटी सी क्यूट सी गर्ल है जो नर्सरी या एलकेजी में पढ़ती है, तो मतलब कि वो किड्स स्कूल है, सारे वहाँ से 1 से 5 ही तक के बच्चे पढ़ते हैं, सॉरी नर्सरी से 5 तक के ही बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चे को हेल्थ के लिए भी उतना ज़्यादा कलर वगैरह अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मैं उतना प्रेफर भी नहीं करती हूँ, और कस्टमर की ऐसे डिमांड भी नहीं होती है। इसलिए इन्होंने भी कोई थीम केक मेरे से नहीं बनवाया था, बस इन्होंने बोला था कि एक आप अच्छा सा सुंदर सा केक डिज़ाइन बना दीजिएगा, क्योंकि इनके जो बच्ची का बर्थडे था शाम में, जो घर में सेलिब्रेट होने वाला था, उसका केक भी मैं बनाई थी, तो वो मैं पिंक वगैरह में बनाई थी, लेकिन इसे मैं ब्लू कलर में रखी हूँ, ब्लू एंड वाइट कलर में, जो कि देखने में इतना प्यारा लग रहा है ना। और हाँ, आपको बच्ची का नाम पता चल जाएगा लास्ट में कि क्या नाम है। और यहाँ पे मैं वैनिला फ्लेवर का ये केक बनाई थी, और मैं फाइनलाइजिंग कर रही हूँ वाइट कलर की क्रीम से। कोई भी मैं कलर की क्रीम यहाँ पे यूज़ नहीं की हूँ आइसिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ की जो प्रिंसिपल वो एक्चुअली एडवाइस देती ही हैं कि बहुत ज़्यादा कलर वाला नहीं होना चाहिए, बेकरी का केक नहीं होना चाहिए, आइस केक नहीं होना चाहिए, आप फ्रेश केक लीजिए, होम बेकर से केक लीजिए, तो ही हम लोग फिर कट करवाएंगे। और वही एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर केक कटिंग होता है, नहीं तो यहाँ और कोई स्कूल में मैं आज तक तो नहीं देखी हूँ, अपने टाइम पे भी नहीं देखी थी कि स्कूल में केक ले जा करके कट किया जाता है, लेकिन वो स्कूल में करवाते हैं कट, तो अच्छा लगता है। वैसे सारे बच्चे का सेलिब्रेट होता है वहाँ पे, तो अच्छा लगता है, सारे बच्चे को भी मन रहता है, और सारे अपने क्लास के जो होते हैं बच्चे लोग वो गिफ्ट भी देते हैं, रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह, तो अच्छा लगता है। हम लोग के टाइम पे तो ये सब चीज़ नहीं होती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है दूसरों को देखने में। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 2B नोज़ल का यूज़ की हूँ ये रोज़ बनाने में, और यहाँ फिर उसके बाद मैं छोटे वाले मोदक नोज़ल का यूज़ कर रही हूँ चोटी वाली इफ़ेक्ट बनाने में, जो कि देखने में डिज़ाइन इतना प्यारा लगता है। प्लीज़ आप कभी भी अगर ये डिज़ाइन बनाएं तो आप मुझे टैग करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल में नए हैं, तो अब भी जाके सब्सक्राइब कर लें, ऐसी और भी बहुत सारी नई नई सुंदर सुंदर डिज़ाइन देखने के लिए। यहाँ पे आपको ढेरों बहुत सारे डिज़ाइन के आइडियाज़ मिल जाएंगे, या फिर आपको केक बनाना हो या फिर केक बनवाना हो किसी के लिए, तो भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं ग्रीन कलर के लीव्स बना रही हूँ, और इसे मैं डायरेक्ट पाइपिंग बैग को कट करके ही बनाई हूँ, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है इफ़ेक्ट नोज़ल वाले। मुझे डायरेक्ट जो पाइपिंग बैग से कट किया हुआ लीफ रहता है, उसका इफ़ेक्ट मुझे एकदम ओरिजिनल लीफ वाला देता है, तो इसीलिए मैं वही प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे छोटे छोटे स्प्रिंकल डाल करके फिर मैं हैप्पी बर्थडे श्रीशा लिख दूँगी, क्योंकि बच्ची का नाम श्रीशा था, और यहाँ पे इतना बड़ा हैप्पी बर्थडे लिखने का स्पेस नहीं था, तो इसीलिए मैं HBD ही लिखी हूँ, हैप्पी बर्थडे, और नीचे लास्ट में मैं नेम लिख दूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग बिना लाइक किए चले जाते हैं, तो प्लीज़ याद से लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।